गन्नौर के बादशाही रोड पर फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में कैंसर की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इधर फैक्ट्री के मालिक राम कुमार को दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कई एमबीबीएस डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर पबिता नारायण शुभम भी इस बीच गिरफ्तार किए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, एमबीबीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हैं डॉक्टर पबिता नारायण शुभम मन्ना, पंकज सिंह बोहरा, अंकित शर्मा, राम कुमार, आकांक्ष वर्मा, प्रभात कुमार को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी फूड सप्लीमेंट बनाते हुए कैंसर की नकली दवा बेचने वाले गिरोह से जुड़े थे। उनके लिए नकली दवा तैयार करने लगे थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले का खुलासा किया। इसके बाद अधिकारियों ने फैक्ट्री से सैंपल लिए और फैक्ट्री को सील करने के साथ ही आयुर्वेदिक अधिकारी ने फैक्ट्री का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया। बताया भी जा रहा है कि रिकॉर्ड नहीं मिलने के चलते फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो बेहद शर्मिंदगी वाला यह मामला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला, जहां कैंसर की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। बड़ी बात है कि कैंसर की नकली दवाई एमबीबीएस के डॉक्टर्स इंजीनियर्स मिलकर बना रहे थे। हालांकि एमबीबीएस के डॉक्टर्स एमबीए के इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार शाम को दिल्ली क्राइम ब्रांच के सहायिका की सूचना के आधार पर और एसडीसी मनमोहन तनेजा जी के वार्तालाप के बाद गन्नौर शाम को मैं वहां गया था। चूंकि उसके पास आयुर्वेद का लाइसेंस था, लेकिन आयुर्वेद से रिलेटेड वहां कुछ भी नहीं पाया गया। आयुर्वेद का कोई काम नहीं कर रहा था। साथ में उसके पास फूड के भी लाइसेंस थे और वो जो भी मैटर था वो फूड से रिलेटेड था, क्योंकि फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर रात को आए थे और उनकी अग्रिम आगे की कार्रवाई उन्होंने ही किया था। चूंकि आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड उसका पास नहीं पाया गया, तो ये एक गंभीर मामला आयुर्वेद से लाइसेंस के प्रति था। इसलिए हमने उसके दूसरे दिन 13 तारीख को 15 दिन का एज पर रूल के अनुसार नोटिस देकर अभी टेम्परोली सस्पेंड कर दिया है और आगे उसके लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। शनिवार शाम